हेलो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरे मायके से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मम्मी कर रही हैं पूजा। आज उन्होंने बनाई है खीर और पूड़ी, तो उसी का भोग लगा रही हैं भगवान को, क्योंकि आज उन्हें खिलानी है कन्या। तो कन्याओं से पहले भगवान की पूजा करेंगी, उनको भोग लगाएंगी और फिर कन्याओं को बुलाकर उनको खाना खिलाया जाएगा। तो बस यहाँ पर वो प्रसाद वगैरह चढ़ा रही हैं और साथ में भाई भी बैठा हुआ है। और ये वो लगा रही हैं होम, और ये है मंदिर जो कि काफ़ी अच्छा है। ये मंदिर बनवाया है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, ये जो मंदिर है मम्मी का काफ़ी मन था तो उन्होंने बनवाया है। पूजा करने के बाद यहाँ पर जो है कन्याओं को बुलाया था हमने, और बस उनको खाना खिला रहे हैं। तो ये कन्या बैठी हुई हैं और बगल में और भी कन्या बैठी हुई हैं। वैसे कन्या बहुत कम मिलती हैं, लेकिन इन्हीं से बोल दिया था तो ये अपनी फ्रेंड्स वगैरह को ले आई थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। और कैसे हैं आप सब? होप आप लोग अच्छे ही होंगे। आज है मंडे और आज का ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरी मम्मी के घर से। मैं अपने मायके आई हुई हूँ। आज घर में जो है थोड़ा सा प्रोग्राम है। मम्मी ने जो है कन्याओं को खाना खिलाना था, कन्या खिलानी थी और भजन कराने थे उनको, क्योंकि मेरे पापा गए थे केदारनाथ दर्शन करने के लिए। वो मैंने आपको बताई है कि हम लोग जो है भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं, तो पापा तो सबसे ज़्यादा मानते हैं, उन्हीं को देखते हुए हम आ रहे हैं तो हम भी उन्हीं के भक्त बन गए हैं। तो बस वो उनके दर्शन करने के लिए गए थे और वो घर पर आ चुके हैं। तो मम्मी का काफ़ी मन था कि जब पापा लौट कर आ जाएंगे तो वो भजन कराएंगी और कन्याओं को खाना खिलाएंगी। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि पापा गए थे तो मम्मी क्यों नहीं गई। मम्मी का थोड़ा सा हेल्थ इश्यू था, इस वजह से वो नहीं जा पाई थी। उनका भी काफ़ी मन था, उनका भी जो है रिजर्वेशन था, लेकिन वो कैंसिल हो गया, तो सिर्फ पापा गए थे। तो बस इसीलिए मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। फिर भी लेट हो गई क्योंकि घर के काम करने होते हैं, और मम्मी ने सारा काम कर लिया था, सारा जो खाना वगैरह है सब कुछ कर लिया था, और कन्या वगैरह खिला दी हैं। अब मम्मी रेडी हो रही हैं और जब वो रेडी हो जाएंगी तो मैं आपको उनसे ज़रूर मिलवाऊंगी। आज हॉलीडे है, आप सोच ही रहे होंगे हस्बैंड जो है मेरे घर पर हैं, क्योंकि मैं आ गई थी, उनका यहाँ कुछ काम नहीं है। जो होगा जैसा होगा आपके साथ शेयर करूँगी। और मम्मी ने साबूदाने भी बना लिए हैं क्योंकि मेरे पापा भी फास्ट रखते हैं, तो वो ऑफिस लेकर गए हैं टिफ़िन। अगर वो नहीं खाते हैं तो उनके सर में दर्द होने लगता है, तो इसीलिए उनको साबूदाने मम्मी पैक करके दे देती हैं हर मंडे को। और उन्होंने थोड़े ज़्यादा बना लिए थे क्योंकि मुझे आना था, तो मैं भी खा लूँगी, मेरा भी आज व्रत है। तो बस अभी मैं वो खाऊँगी और बस साथ में चाय बना लूँगी। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, आप लोग बने रहिए मेरे साथ। ये है मेरी मम्मी, से हाय। मैं यहाँ पर खा रही हूँ साबूदाने और साथ में पी रही हूँ चाय। साबूदाने के साथ चाय मुझे काफ़ी पसंद है। और भाई भी बैठा हुआ है तो उसी से मैं बात कर रही हूँ। आंटी वगैरह आ चुकी हैं जो भजन करने के लिए आना था, तो बस वो भजन कर रही हैं और मेरा वहाँ पर क्या काम है मैं यहीं से सुन रही हूँ। तो बस हम दोनों जो है बात कर रहे हैं और साथ ही साथ मैं साबूदाने और चाय को इंजॉय कर रही हूँ। I'm sorry.
यहाँ पर भाई प्रसाद को मिक्स कर रहा है। तो ये अखरोट के पैकेट पापा वहीं से लेकर आए थे, इलायची दाने के पैकेट, तो वो डाल दिए हमने और लाई यहीं से लेकर इसको ऐड कर दी है और अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ का प्रसाद है तो प्रसाद तो जो है सभी को देना होता है और हमें पैकेट बनाने हैं। मम्मी बोल रही थी कि जब तक भजन वगैरह हो रहे हैं तब तक तुम दोनों मिलकर पैकेट बना लो, अभी तक प्रसाद के पैकेट नहीं बनाए थे। और केदारनाथ भगवान जी के नाम से ये भजन हो रहे हैं तो प्रसाद तो सभी को बांटना ही है, और वैसे भी प्रसाद जितना बांटो उतना अच्छा होता है, उनके नाम का प्रसाद जितने लोगों के पास जाए उतना अच्छा होता है। और अगर पॉसिबल होता तो मैं आप लोगों तक भी ये प्रसाद ज़रूर पहुंचाती और आपके साथ इसे ज़रूर शेयर करती। तो बस हम दोनों बहन भाई यहाँ पर मिलकर बना रहे हैं प्रसाद के पैकेट, और काफ़ी पैकेट बनाने हैं हमें, तो बस बातें करते जा रहे हैं। हम दोनों की बातें कभी ख़त्म नहीं होती हैं। मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो मम्मी से ज़्यादा टाइम तो मैं इसके साथ बिताती हूँ, हम दोनों ऐसे ही मस्ती करते रहते हैं और इसी तरह से हम लोगों का टाइम कट जाता है। और इसकी भी आदत है, जहाँ पर मैं बैठी हूँगी वो वहीं बैठेगा आकर, और बस ऐसे ही हम दोनों टाइम स्पेंड करते हैं। और बस यहाँ पर हम फटाफट से तैयार कर रहे हैं पैकेट प्रसाद के। ये हमने पैकेट बनाकर तैयार कर लिए हैं प्रसाद के, इतने सारे पैकेट बनाए हैं बिकॉज़ कुछ पैकेट जो हैं पापा लेकर जाएंगे ऑफिस में, उनको देना है, और अभी ये जो भजन कर रही हैं उनको देना है, उन्हीं को देने के लिए मम्मी ने ये बर्तन लिए हैं, ये वो देंगी एक एक सभी को। तो इस तरह के बाउल लिए हैं उन्होंने, और ये कितने हैं मुझे नहीं पता, तो इतने बाउल लेकर आई हैं, और इसमें से दो तीन बाउल जो है वो दे भी चुकी हैं, जिन्हें जाना था तो वो चली गई हैं प्रसाद लेकर। और आपको जो है आवाज़ आ रही होगी, तो ये अभी जो है भजन हो रहे हैं उसी की आवाज़ आ रही है। अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम और मम्मी ने सभी के लिए यहाँ पर इवनिंग की चाय बनाई है, हस्बैंड भी आ चुके हैं, तो बस हम सब अभी चाय पियेंगे। और आज मम्मी ने खाने में बनाई थी छोले की सब्जी और साथ में उन्होंने बनाई थी खीर, आप देख ही सकते हैं। और बस गरम गरम पूड़ियाँ यहाँ पर सेक रही हैं, पहले वो बोल रही हैं कि तुम लोग खाना खा लो, हस्बैंड आ चुके हैं तो हम दोनों खाना खाएंगे और उसके बाद फिर घर चले जाएंगे। तो ये कुछ पूड़ियाँ उन्होंने बनाकर तैयार कर ली हैं, और बस मम्मी की मैं यहाँ पर हेल्प कर रही हूँ। मैंने बोला मैं पहले थोड़ी पूड़ियाँ बनवा देती हूँ उसके बाद खा लूँगी, क्योंकि एक इंसान बेलता है और एक फ्राई करता है तो जल्दी हो जाता है ऐसे, और वैसे भी उन्होंने ही सारा काम किया है तो मैंने सोचा थोड़ी हेल्प तो करा ही देती हूँ। और बस यहाँ पर मैं पूड़ियाँ फ्राई कर रही हूँ और मम्मी से बातें करती जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स
फ्रेंड्स, अपने इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। आपको मेरे मायके का ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें काफ़ी खुशी होती है, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।